सीबीआई के वकील जानबूझकर के हमारे नेता को प्रताड़ित करना चाहते हैं, तो एक सीबीआई वकील को कितना समय दिया जा सकता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अब 19 फरवरी को सुनवाई होने जा रही है। जमानत में देरी और बार बार सुनवाई टलने की वजह से लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के समर्थक भी काफी नाराज हैं। दरअसल आज कोर्ट में सुनवाई हुई और सीबीआई की तरफ से वक्त मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 19 फरवरी की तय कर दी और अब लालू समर्थक जो है वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार सीबीआई की तरफ से वक्त मांगा जाता है और जानबूझकर सीबीआई की तरफ से ऐसी चीजें की जा रही है। अभय कुमार सिंह है झारखंड में राजद के प्रदेश अध्यक्ष, वो इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। न्यायालय ने सीबीआई को 2 सप्ताह का समय दिया था एफिडेविट जमा करने के लिए, मगर सीबीआई के वकील जानबूझकर के हमारे नेता को प्रताड़ित करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा नेता हमारे बीच आए। न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा और अगले शुक्रवार को हमारे नेता हमारे बीच होंगे। आप क्यों कह रहे हैं कि सीबीआई लिंगर कर रही है, क्या उसका वजह बताएं? सीबीआई के वकील को जब दो सप्ताह का जब समय दिया गया और 2 सप्ताह में जब जमा नहीं किया और समय दिया जाए, तो एक सीबीआई वकील को कितना समय दिया जा सकता है। तो जानबूझकर के सीबीआई के वकील जो है हमारे नेता को चाहती है कि माने हमारे नेता हमारे बीच नहीं आए, इसके लिए हमारे नेता को प्रताड़ित करने के लिए सीबीआई के वकील जो है ये साजिश कर रही है। और हमारे न्यायालय पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा, हमारे नेता अगले शुक्रवार को हमारे बीच होंगे। वो एम्स में है, मगर हेलो हम लोग निराश जरूर है, मगर हताश नहीं। तो आपने अभय कुमार सिंह को सुना, झारखंड में राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि जानबूझकर हमारे नेता लालू प्रसाद यादव को परेशान किया जा रहा है, उनकी जो जमानत याचिका पर सुनवाई है वो किसी ना किसी वजह से टाली जा रही है और सीबीआई की तरफ से जानबूझकर हर बार वक्त मांग लिया जाता है और कोर्ट उन्हें वक्त दे देती है। इंतजार उन लोगों को भी है कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव कब छूट कर बाहर आते हैं, कब उनकी जो सजा है वो खत्म हो जाती है। देखने वाली बात ये होगी कि अगली तारीख यानी कि 19 फरवरी के दिन क्या कुछ होता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।